डिफेंस की तैयारी करने वाले सभी साथियों को जय हिंद नमस्कार बहुत अच्छी खुशखबरी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी हाँ काफ़ी साल बाद इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप एक्स के लिए भर्ती होने वाली है यानी रिक्रूमेंट रैली होने वाली है जैसे आर्मी में भर्ती होती है उसी तरह रिक्रूमेंट रैली इस बार एयरफोर्स में भी होने वाली है ये राजस्थान हरियाणा बिहार जैसे कई राज्यों में ये भर्ती होगी जानेंगे हम इस वीडियो में कि किन किन राज्यों में भर्ती होगी और कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर हिस्सा ले पाएंगे जी हाँ एयरमैन ग्रुप एक्स के लिए ये भर्ती होगी एयरफोर्स में इसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा क्या सिलेबस रहेगा क्या पूरी प्रोसेस होगी किस दिन भर्ती होगी और कब हम ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे ये पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ आपको एक ही दिन मिलेगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 27 सितंबर से 28 सितंबर 2020 के बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप ये भर्ती में जाने का मौका ले पाएंगे आपको फॉर्म फिल किस तरह से करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म है कोई भी फ़ीस आपकी इसमें नहीं ली जाएगी गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री कर रखा है तो किस तरह फॉर्म भरना है ये वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा तो आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है आप घर बैठे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं इस टाइम राजस्थान बिहार हरियाणा जैसे राज्यों में भर्ती आई हुई है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगी और क्या रैली की डेट रहेंगी देखिए रैली की जो डेट है वो 9 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 के बीच में आपकी रैली होगी बहुत ही कम समय बचा है तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही जल्दी करनी है और जोरों शोरों से करनी है ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो कि इंडिया की एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है इसको ओपन कर रखा है यहाँ पे गवर्नमेंट की साइट है इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है आपको यहाँ पे कैरियर इन आई पे क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शंस खुल जाएंगे इसमें आपको एयरमैन पे आना है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यस के ऑप्शन पे जाना है और एक अदर साइट यहाँ पे आपको खुलती हुई नज़र आएगी और इसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे जो नए नोटिफिकेशन आए हैं एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के वो आपको मिल जाएंगे देखिए काफ़ी सारे स्टेट की यहाँ पर भर्ती आई हुई है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं राजस्थान की वैकेंसी राजस्थान में एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है जिस तरह आर्मी की रैली होती है सेम उसी तरह इस बार एयरफोर्स की भी रैली होने वाली है बहुत टाइम बाद ये रैली होने वाली है तो यहाँ पे जोधपुर राजस्थान में ये रैली होगी देखिए इसमें कौन कैंडिडेट्स हिस्सा ले सकते हैं तो वो कैंडिडेट जिनकी एज सत्रह जनवरी दो से तीस दिसंबर 2003 के बीच में है वो कैंडिडेट इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं एक्स ग्रुप की ये भर्ती है आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा और ये रैली जो है वो 9 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 के बीच में होगी पूरी जानकारी हम जो ऑफिशियल पीडीएफ है उसके थ्रू लेते हैं तो यहाँ पर ये पी देखिए आपके सामने डाउनलोड हो रही है देखिए ये पी डी डाउनलोड हो चुकी है आपके सामने राजस्थान जोधपुर की भर्ती होने वाली है यहाँ पे राजस्थान के सभी कैंडिडेट हर एक डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले सकते हैं देखिए जैसे आर्मी की भर्ती जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ होती है क्योंकि उसमें कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और एयरफोर्स में कैंडिडेट कम होते हैं इसलिए एक साथ ही ये भर्ती करवाई जा रही है तो पूरे राजस्थान के कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले पाएंगे भर्ती जो है वो केंद्रीय विद्यालय जोधपुर राजस्थान में होगी एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स की ये भर्ती है भर्ती रैली की जो डेट है वो 9 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 के बीच में होगी इसमें देखें और अदर क्वेरीज जो आपकी रहती है सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और अदर अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक दिन आपको मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए 27 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 के बीच में इस रैली के लिए आपको फॉर्म फिल कर देना है ऑनलाइन आवेदन कर देना है अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ही आपके एडमिट कार्ड आपको इशू किए जाएंगे और बिना एडमिट कार्ड के आप रैली नहीं देख पाएंगे रैली में हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है सिर्फ एक दिन का टाइम मिला है तो ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए इसके अलावा यहाँ पे देखिए डेट क्या रहेंगी ये दो पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ 9 अक्टूबर 2020 से 13 अक्टूबर 2020 के बीच में ये एक्टिविटीज़ जिसमें फ़िजिकल फिटनेस टेस्ट रिटर्न टेस्ट एडेप्टिलिटी टेस्ट वन और एडेप्टिलिटी टेस्ट टू आपका करवाया जाएगा फिर जो नेक्स्ट डेट है वो 15 अक्टूबर 2020 से 19 अक्टूबर 2020 के बीच में यही टेस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी करवाई जाएंगी पूरे राजस्थान के सभी ज़िलों के कैंडिडेट इसके अंदर हिस्सा ले पाएंगे देखिए इसमें ऐसी जानकारी है कि लगभग एक कैंडिडेट जो हैं, ईच डे उनका जो है ये टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका क्या है तो बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैंने आपको बता ही दी है 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इसके अलावा टेन प्लस टू आपकी क्लियर होनी चाहिए वो भी मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स और इंग्लिश में मिनिमम पचास परसेंट मार्क्स के साथ में तभी आप ये भर्ती देख पाएंगे या फिर इसके समान आपका कोई डिप्लोमा या कुछ इंजीनियरिंग डिग्री वगैरह आपने ली हो तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आपने ये सब डिप्लोम इनमें से कुछ ले रखा है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए तो जैसे चेस्ट है उसमें जो भी आपकी चेस्ट है उसमें पाँच सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए और किस टाइप की सर्जरी जो है वो इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होगी हीरेंगे के अंदर कौन से कैंडिडेट इलीजिबल होंगे कौन से एलिजिबल नहीं होंगे ये सब जानकारी यहाँ पर दी हुई है ये आप देख सकते हैं तो अगर आप इसी के लिए एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास और जैसे बॉडी टैटूज़ जो हैं वो कौन से इसके अंदर परमिटेड होंगे कौन से नहीं अलाउ करेंगे किन कैंडिडेट्स को तो वो भी जानना ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इनके बारे में मैंने पूरी जानकारी मेरे एक और वीडियो में दी है तो पहले ही वो डॉक्यूमेंट बनवा लें ताकि लास्ट टाइम में इधर उधर हमें भागते ना फिरना पड़े और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो उस अकॉर्डिंगली आप घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं कोई भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी इस कोरोना के टाइम पे ये देखिए यहाँ पे 20 साल के लिए आपकी जॉब रहेगी या फिर अगर आप सत्तावन साल के पहले हो जाते हैं तो सत्तावन साल तक आप ये सर्विस कर सकते हैं पे और अलाउंसेस क्या रहेंगे तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा तो आपको स्टाइफन मिलेगा यहाँ पे चौदह हजार छः सौ का पर मंथ बाकी चीज़ें इसमें अदर रहेंगी उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे तैतीस हजार सौ रुपये पर मंथ और बाकी सभी चीज़ें इसमें अलग रहेंगी तो काफ़ी अच्छा इसमें अलाउंसेस रहेंगे आपके इसके अलावा हायर एजुकेशन बच्चों की स्टडीज़ जो हैं अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ये सब तो आपको पता ही है डिफेंस के अंदर जो मिलते हैं वो इस भर्ती में भी आपको मिलेंगे सीक्वेंस कैसा होगा एग्ज़ाम का इसकी जानकारी हम यहाँ पे लेते हैं तो ये सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप एक्स के अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा जिस तरह आर्मी में 1.6 किलोमीटर की रेस होती है उसी प्रकार यहाँ पे भी 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी लेकिन टाइम यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा ये मैक्सिमम टाइम है लेकिन आपको जो है वो कम से कम टाइम में रेस पूरी हो ये ट्राई करना है इसके बाद में ये 10 पुशअप्स 10 सिटअप्स 20 ट्वेंटी ये सब आपको करना है ये आपको पता ही होता है और जो पूरी जानकारी है वो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख भी सकते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके बाद में होगा आपका रिटर्न टेस्ट रिटर्न टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा ये भी मैं आपको बता दूंगी तो हमारे चैनल पे आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी उस अकॉर्डिंग आप अपने रिटर्न टेस्ट की तैयारी करते रहें इसके अंदर जो सब्जेक्ट आएंगे वो यहाँ पे ये इन्होंने बताए हुए हैं साठ मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसके लिए तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं और रिटर्न टेस्ट के अंदर पैटर्न क्या रहेगा तो इसमें हर एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा और अन अटैम्प्ट क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करें उसके लिए आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी वो जीरो नंबर मिलेगा लेकिन अगर आपने क्वेश्चन रोंग कर दिया है तो रोंग क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपका वन फोर्थ यानी कि जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क जो है वो काटा जाएगा यानी ये माइनस मार्किंग यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी उसके बाद होगा आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट वन इसके अंदर आपको जो इन्वायरमेंट है वहाँ का आप उसमें सूटेबल हो या नहीं आपको एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा इस तरह की क्वेरीज जो है वो रहेंगी फिर होगा एडेप्टिबिलिटी टेस्ट टू इसके अंदर देखा जाएगा कि जो एयरफोर्स मिलिट्री है उसकी लाइफ के अंदर आप एडजस्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते तो इस तरह की ये टेस्ट रहेंगे आपके उसके बाद यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखिए यहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट और इस तरह से सभी टेस्ट होंगे ये पूरी जानकारी मैंने मेरे वीडियो में दी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नए जो जानकारी है नए नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टाइम पर मिल पाए और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बाकी कौन से स्टेट्स के लिए एयरफोर्स की वैकेंसी आई हुई है तब तक के लिए बने रहें तरुणा तो डिफेंस एकेडमी के साथ धन्यवाद